भगवान शिव का नाम लेते ही भक्तों के दुख दूर हो जाते हैं, इसलिए भारत समेत नेपाल, भूटान और पाकिस्तान में उनके भव्य मंदिर देखने को मिलते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो कौन सा शिव मंदिर है जो सबसे ज्यादा ऊंचाई पर है? इतना ही नहीं, उस मंदिर का संबंध महाभारत काल से बताया जाता है, जिसकी नींव खुद अर्जुन ने रखी थी। आइए जानते हैं भगवान शिव के उस चमत्कारी मंदिर के बारे में। भगवान शिव का चमत्कारी मंदिर। दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य में है, जिसे तुंगनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। भगवान शिव का ये प्राचीन मंदिर रुद्रप्रयाग जिले में है, जो चंद्रनाथ पर्वत पर बना हुआ है और इस पर्वत की ऊंचाई लगभग 3,680 मीटर के आसपास है। तुंगनाथ का शाब्दिक अर्थ पहाड़ों का भगवान होता है, इसलिए इस मंदिर का नाम तुंगनाथ रखा हुआ है। ये मंदिर इतनी ज्यादा ऊंचाई पर है कि सर्दी के मौसम में कड़ाके की सर्दी और लगातार बर्फबारी होने की वजह से मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। तुंगनाथ मंदिर तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को लंबी चढ़ाई करनी पड़ती है, जबकि रास्ते में खूबसूरत झरने और जंगल पड़ते हैं। बताया जाता है कि तुंगनाथ मंदिर को महाभारत काल के दौरान बनाया गया था। इस मंदिर की नींव पांडवों के तीसरे भाई अर्जुन ने रखी थी, जो भगवान पर अटूट आस्था रखते थे। दरअसल महाभारत के युद्ध में पांडवों की जीत हुई थी, लेकिन इस युद्ध को जीतने के लिए पांडवों ने अपने चचेरे भाइयों और गुरुओं का वध किया था। पांडवों को युद्ध जीतने के बाद मानव हत्या का पाप लग गया था और इस पाप से मुक्त होने के लिए पांडवों ने भगवान शिव की आराधना शुरू कर दी थी। ऋषि व्यास ने पांडवों को बताया कि भगवान शिव की पूजा करने से सभी तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है, इसलिए अगर वो भगवान शिव की आराधना करेंगे तो उन्हें अपने भाइयों और गुरुओं की हत्या के पाप से मुक्ति मिल जाएगी। पांचों पांडव ऋषि व्यास के कहने पर हिमालय की यात्रा पर निकल गए थे, जबकि इस यात्रा के दौरान उन्हें भगवान शिव की तलाश करनी थी। पांडव कई दिनों तक लंबी यात्रा करते रहे, तभी एक दिन अचानक से भगवान शिव ने उन्हें बैल के रूप में दर्शन दिए थे। इसके बाद पांडवों ने भगवान शिव को प्रणाम किया और उनसे अपने पापों की मुक्ति मांगी, लेकिन बैल रूपी भगवान शिव जमीन के अंदर समा गए थे। इस बात से पांचों पांडव काफी ज्यादा हैरान हुए, लेकिन कुछ समय बाद उसी बैल के अंग 5 अलग अलग जगहों पर जमीन से बाहर निकले थे। इसके बाद ऋषि व्यास ने पांडवों को बताया कि अगर वो इन 5 जगहों पर भगवान शिव का मंदिर बनवाएंगे तो उन्हें अपनों की हत्या का पाप नहीं लगेगा। 5 पांडवों ने अलग अलग मंदिर बनाने का फैसला किया, जिसके तहत तीसरे भाई अर्जुन ने तुंगनाथ मंदिर की नींव रखी थी। बताया जाता है कि इस जगह पर भगवान शिव के हाथ जमीन से बाहर आए थे, जो पहाड़ों की रक्षा करते हैं, और इसलिए यहाँ एक भव्य मंदिर बनाया गया था। इसी तरह दूसरे पांडवों ने भगवान शिव के दूसरे मंदिर बनाए थे, जिसमें केदारनाथ, रुद्रनाथ, कल्पेश्वर और मध्य महेश्वर मंदिर का नाम शामिल है। इन जगहों को पंच केदार के नाम से जाना जाता है, जहाँ केदारनाथ में कुबड़, रुद्रनाथ में सिर, कल्पेश्वर में बाल, मध्य महेश्वर में नाभि और तुंगनाथ में भगवान के हाथ जमीन के अंदर से प्रकट हुए थे। वहीं इन पंच केदारों की नींव रखने के बाद पांडवों को भाइयों और गुरुओं की हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई थी। जबकि इसके बाद इन मंदिरों को समय समय पर अलग अलग राजाओं ने बनवाया और उनके रख रखाव की जिम्मेदारी भी उठाई थी। बताया जाता है कि तुंगनाथ मंदिर का संबंध भगवान राम से भी है, जिन्होंने मंदिर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर तप किया था। कहते हैं कि युद्ध में रावण का वध करने के बाद जब भगवान राम वापस अयोध्या लौटे थे तो उन्हें ब्राह्मण हत्या का पाप लगा था। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए ऋषि मुनियों ने भगवान राम को तपस्या करने का उपाय बताया था, जिसके लिए भगवान राम हिमालय की यात्रा पर गए और तुंगनाथ मंदिर से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर चंद्रशिला की पहाड़ी पर तपस्या करने लगे। चंद्रशिला की चोटी समुद्र तल से लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर है, जहां तप करने पर भगवान राम को ब्राह्मण हत्या के पाप से मुक्ति मिली थी। कहते हैं कि तुंगनाथ मंदिर में भगवान शिव की पूजा करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं, जबकि उनकी हर मनोकामना भी पूरी होती है।
कई लोग तुंगनाथ मंदिर में जाकर शिलाओं से घर बनाते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि यहाँ पत्थर से घर बनाने पर असल जिंदगी में घर बन जाता है। हालांकि सर्दी के मौसम में ज्यादा बर्फबारी होने की वजह से तुंगनाथ मंदिर तक पहुंच पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये मंदिर काफी ज्यादा ऊंचाई पर है। मंदिर के पुजारी मुख्य मूर्ति को लेकर मक्कू मठ आ जाते हैं और वहां गर्मी के मौसम तक महादेव की पूजा अर्चना की जाती है, जबकि मंदिर में बर्फ पिघलने के बाद एक बार फिर भगवान को वहां स्थापित किया जाता है और तुंगनाथ यात्रा शुरू हो जाती है। ये मंदिर इतना प्राचीन है कि वर्तमान समय में इसका एक हिस्सा झुकने लगा है, लेकिन इसके बावजूद भी मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। तो दोस्तों, ये थी दुनिया के सबसे ऊंचे शिव मंदिर की कहानी, जिसकी नींव खुद अर्जुन ने रखी थी। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।